इसमें प्योर वीविंग का काम है, फिगर का काम रहेगा पल्लू पे, इरिस हाँ। पल्लू के साथ रहेगी हाँ। पूरे कंप्लीट 9 मीटर बॉर्डर पे देगा फिगर का काम। अच्छा, पूरा कंप्लीट फिगर का काम रहेगा। और ये शिरोज की डायमंड, शिरोज की डायमंड का काम। साड़ी का कट कितना पूरा? 36 कंप्लीट, 36 विद ब्लाउज, विद ब्लाउज। जो फिनिशिंग होती है ना वो बेंगलोर में करवानी पड़ती है, यहाँ फिनिशिंग इसकी नहीं होती। जो बेंगलोर साड़ी होती है ना हाँ? आपको मैं बताता हूँ, देखिए आप बुलाइए कैमरामैन को, इधर बुलाइए कैमरा। अच्छा कैमरामैन प्लीज। बिल्कुल, देखिए आप इसका फिनिशिंग देखिए, इसके बॉर्डर का फिनिशिंग। यदि वीविंग का इतना अच्छा फिनिशिंग चाहिए ना हाँ? तो यहाँ पॉसिबल नहीं, वो बेंगलोर में पॉसिबल है। जहाँ बेंगलोर में प्योर सिल्क बनता है ना जिस मशीनों से उनकी फिनिशिंग की जाती है उसी से इस कपड़े की फिनिशिंग होती है। हेलो मंडळी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मी तुमची आवडती मैत्रीण वैष्णवी। पुन्हा स्वस्त साड्यांच्या ह्या कलेक्शन सीरीज मध्ये मस्त साडी खास घेऊन आलेली आहे, बट थोडी क्वालिटी, थोडासा ट्विस्ट, काय तद्दन मराठमोळी सिल्कचा टेस्ट घेऊन आली आहे। म्हणजे मोठ्या काठाची, लहान काठाची, मोनोक्रोमिक मस्त ब्लाऊज असलेली, छान असा कलर असलेला साड्या आज घेऊन आली। कुठे मिळतील, डिझाईन्स कशा असतील, प्राइजेस काय असतील, ऑनलाईन मिळेल की नाही, दुकानाचा पत्ता सगळं काही व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। त्याआधी एक असूचे उत्तर द्या, कोणत्या गावाहून व्हिडिओ पाहताय, कोणत्या सिटीहून पाहताय, आणि तुम्हाला कशा प्रकाराचा कपडा हवाय तेही सांगा, जेणेकरून मला एक अंदाज येईल आणि पुढच्या व्हिडिओ मी तसाच बनवेल। ठीक आहे, चला का म्हटलं सांगा कसा व्हिडिओ पाहिजे पुढचा, म्हणजे कशा साड्या पाहिजे, तुम्हाला कशी डिमांड आहे। चला जाऊया, आपल्या सोबत ना एक दादा आहेत, सतपाल सर, मी त्यांना सॉरी म्हणते। नमस्ते सतपाल सर। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल। आपके यहाँ स्टार्टिंग रेट क्या होती है साड़ियों में? देखिए साड़ियों में हमारे पास 99 रुपए से स्टार्ट है, प्रिंटेड में जैसे 45 रुपए से भी स्टार्ट है, लेकिन 45 रुपए का जो फैब्रिक आता है वो कपड़ा है, वो कपड़ा रहता है, वो फैब्रिक रहता है, वो मल्टीपर्पज के हिसाब से काम में आता है। बाकी यूजेबल साड़ी 99 रुपए से स्टार्ट। वो कपड़ा कौन सा है? वो मतलब मल्टीपर्पज के हिसाब से काम आता है, जैसे फैशन डिजाइन 99 वाला कपड़ा। हाँ, वो यूजेबल कपड़ा है, यूजेबल, बिल्कुल 99 से यूजेबल साड़ी हमारे पास अवेलेबल है। आज क्या खास है? आज खास है जैसे स्पेशल महाराष्ट्रीयन लोगों के लिए, तो जैसे सिल्क साड़ी हो गई, हाँ काट बद्रा हो गई। सर सिल्क में शुरुआत क्या होती है? देखो सिल्क में हमारे पास शुरुआत हो जाती है 350 रुपए से। 350 शुरू करें, फिर आप सैंपल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समय की भी अपनी मर्यादा है, जल्दी जल्दी सैंपल दिखाएंगे जी। पूरे तो दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5000 से ज्यादा सैंपल है हमारे पास सिल्क। सिल्क में देखिए, ये एक साड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, आपके व्यूअर्स को दिखा। ये प्योर सिल्क का कपड़ा है, बनारसी पर रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैम देखिए ये साड़ी देखिए, इसमें प्योर वीविंग का काम है, फिगर का काम रहेगा पल्लू पे, इरिस हाँ। पल्लू के साथ रहेगी हाँ। पूरे कंप्लीट 9 मीटर बॉर्डर पे देगा फिगर का काम। अच्छा, पूरा कंप्लीट फिगर का काम रहेगा। और ये शिरोज की डायमंड, शिरोज की डायमंड का काम। साड़ी का कट कितना पूरा? 36 कंप्लीट, 36 विद ब्लाउज, विद ब्लाउज कंप्लीट वर्क रहेगा। इसी टाइप में अपन जैसे और इसमें आइटम देखे, जैसे ये मान लीजिए पटोला पैटर्न की साड़ी है जो महाराष्ट्र में फुल प्लेस डिमांड में रहती है। जैसे आपके कई व्यूवर्स होंगे, महिलाएं ज्यादा यदि होगी तो उनको तो वीडियो में पसंद आ जाएगी। मेरी तो मोस्टली व्यूअर्स है लेडीज एंड वी लव साड़ी। छान, बहुत लाजवाब साड़ी है सिल्क में। सर ये कपड़ा फूलेगा तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, ट्राई करो कि बिल्कुल बिल्कुल आप ट्राई कीजिए ना, बिल्कुल मेरा बनवून ट्राई करूया, पाहूया क्या कपड़ा फुगतो की नाही। तर मी इथून या जस्ट नॉर्मल मीडिया बनवल्या आणि या जस्ट नॉर्मल घेतल्या, एंड तुम्हाला माहिती आहे नेसण्यामध्ये थोडी तकलीफ आहे, बट येस जस्ट एक अंदाजाने घेतली आणि टाकली खांद्यावर। मस्त डिसेंट क्वालिटीचा कपडा। सर ये कपडा कौन सा कहा आपने? ये प्योर डोला पे है, डोला प्योर डोला पे। इसमें कई प्रकार की वैरायटी आती है, जैसे डोला हो गया, कांजीवरम साड़ी हो गई हाँ। जो वीविंग का काम होता ना हाँ, ये डोला हाँ, ये प्योर डोला का कपड़ा है। ठीक है, इसमें फिर अपन चले तो ये देखिए एक लीची पे आता है, मोनोक्रोमिक लीची हाँ, पे लीची पे कपड़ा आता है हाँ। इसको लीची पे बोला जाता है। पहले जैसे वॉशेबल आती है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल वॉश कर सकते हो जैसे पहले। और सर कितने पीस का सेट होता है इसमें? मिनिमम 4 पीस रहेगा, मैक्सिमम 6 पीस रहेगा हाँ? जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं, देखिए इसमें थोड़ा टेक लगा है, मैं हटवा देता हूँ। देखिए पूरा लटकन वटकन के साथ रहेगा कंप्लीट, पूरा रिच पल्लू रहेगा, फिगर का पल्लू, फिगर पल्लू की बहुत डिमांड रहती है ना महाराष्ट्र में। बिल्कुल हेवी फिगर में, आणि याची जी बॉर्डर आहे ना खालची बॉर्डर, ती ही एकदम रिच हेवी ठेवण्यात आली आहे। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी इसके कलर्स कितने होंगे? इसमें किसी में 4 कलर, किसी में 5 कलर, किसी में 6 कलर। इनमें मार्जिन की इसमें मार्जिन की तो बात छोड़ दीजिए मैम, आप मार्जिन तो इतना, ये देखिए ये प्योर बेंगलोरी की साड़ी है। आंकड़ों में अगर आंकड़ों में बात करें तो आप 80-100% मार्जिन कमाएंगे सिल्क साड़ी पे, 101% मैम। देखिए ये साड़ी है, इसकी मैं खासियत बताता हूँ आपको। ये साड़ी कपड़ा सूरत में तैयार होता है हाँ? कपड़ा सूरत में तैयार हुआ हमारे डाइंग में, लेकिन इसका फिनिशिंग बेंगलोर में होता है। ओके, फिनिशिंग यहाँ नहीं होगा, इसका फिनिशिंग कर ही नहीं पाएंगे। क्या मैं इसका मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट आप देखिए। ओके
इसकी जो फिनिशिंग होती है ना वो बेंगलोर में करवानी पड़ती है, यहाँ फिनिशिंग इसकी नहीं होती। जो बेंगलोरी साड़ी होती है ना, हाँ? आपको मैं बताता हूँ, देखिए आप बुलाइए कैमरामैन को, इधर बुलाइए कैमरा, अच्छा कैमरामैन प्लीज पास आइए। बिल्कुल देखिए आप इसका फिनिशिंग देखिए, इसके बॉर्डर का फिनिशिंग, यदि वीविंग का इतना अच्छा फिनिशिंग चाहिए ना तो यहाँ पॉसिबल नहीं, वो बेंगलोर में पॉसिबल है। जहाँ बेंगलोर में प्योर सिल्क बनता है ना, जिस मशीनों से उनकी फिनिशिंग की जाती है उसी से इस कपड़े की फिनिशिंग होती है। और सर ये बीच में मतलब ये पैटर्न को क्या कहते हैं? ये इसका जो पैटर्न दिया गया है ना, आप इसमें और फोकस करेंगे तो आपको एक चीज और दिखेगा। इसमें देखो जो रेनबो की लाइन दी है ना बीच में, जरी रेनबो दिया गया, देख रहे हो? ये प्योर प्योर प्रिंट, इसको अपन प्योर की साड़ी बोल सकते हैं अपनी भाषा में बोले तो। हाँ, ये प्योर की साड़ी, हाँ प्योर की साड़ी, पावरलूम, हैंडलूम पावरलूम, बट कपड़ा चीज़ ओरिजिनल, चीज प्योर ओरिजिनल है। ओके, इसी में देखिए एक आइटम ये देखिए आप, जैसे मैंने वो दिखाया वो बेंगलोर में फिनिश है, ये सूरत फिनिशिंग साड़ी है। ये ऑर्गेंजा फैब्रिक रहेगा, इसका जो फैब्रिक रहेगा ना वो ऑर्गेंजा पे रहेगा। देखिए अब तक मैं आपको जरी दिखा रहा था ना, इसमें देखिए थ्रेड का काम है, प्योर कश्मीरी धागे का काम किया गया। ये जो है ना आप देख रहे हो उसमें डबल काम है। ओके, ये पूरा थ्रेड का काम है, बीच में जरी का काम है, इसका पल्लू पे पूरा जरी का लाइनिंग है। इसकी बॉर्डर बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर प्योर ड्रेस है, बहुत ऑर्गेंजा कपड़ा बोलते हैं इसको। मैं एक बार कंधे पे डाल के दिखाना चाहती हूँ। बट सर एक पीस मिलेगा? नहीं नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं, एक पीस नहीं ना, ओनली होलसेल, हम सिर्फ दुकानदारों के लिए देते हैं। और सर आपके पास चीजें क्या क्या मिलती है? हमारे पास सब आइटम मिल जाता है, कपड़े में आपको सारी वेरायटी मिल जाएगी, साड़ी जैसे कुर्ती, लहंगा, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सब कुछ, किड्स वेयर, मेंस वेयर। और इनमें मतलब प्राइजेस क्या होती है अप्रोक्सीमेटली? देखिए प्राइजेस अपन साड़ी में जाए तो मैंने बताया आपको 99, कुर्ती में हमारे पास 48 रुपए से कुर्ती शुरू हो जाती है, 48 रुपए, ठीक है। फिर सूट में अपने पास 78 रुपए से सूट स्टार्ट हो जाते हैं, हाँ? टॉप बॉटम दुपट्टा, हाँ? और सर मिनिमम परचेसिंग अमाउंट आपकी मर्जी है, हमें कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन मिनिमम 25-30 हजार। आपने बताया ही नहीं, आपकी शॉप का नाम क्या है? देखिए अजमेरा फैशन, तो अभी ये किसी नाम की मोहताज नहीं रही है अजमेरा फैशन, हाँ लगभग सब जानने लगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, अजमेरा फैशन प्राइवेट लिमिटेड है, ये रघुकुल मार्केट में रिंग रोड पे सूरत में, दुकान नंबर 5491, 15 नंबर लिफ्ट है, थर्ड फ्लोर पे। एक और चीज, आपके ऑफिस का टाइमिंग क्या है? हमारा सुबह 9 से शाम को 7 बजे तक का टाइमिंग है, 9 से 7 बजे सुबह 9 बजे। और कम से कम कितने का लेना पड़ता है? देखिए कम से कम यदि आपको पार्सल करवाना है तो 25-30 हजार रुपए की जो महिलाएं घर से शुरू करती है वो ले सकती है। और उसमें मतलब क्या क्या चीजें रखनी चाहिए? देखिए अगर हम शुरू कर रहे हैं तो बहुत चीजें नहीं पता होती, बहुत चीजें नहीं। देखिए उसके लिए हमारे यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव है, और वो भी हर एक लैंग्वेज के। ओके, आप यदि महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र के, आप कर्नाटक से तो कन्नड़ वाले, तमिल से तो तमिल वाली। ये है चंदेरी कपड़ा, चंदेरी, हाँ ये आपको मैं बताता हूँ, आपको अच्छी लगी ना ये? हाँ हाँ ये प्यारी है, ये चंदेरी कपड़ा। इसमें देखिए इसमें डबल जरी यूज किया गया, हाँ? ये थ्रेड जरी है जिसमें साइनिंग नहीं रहती, हाँ? इसके अंदर एमआर जरी का यूज किया गया। अच्छा, ये एमआर जरी ये साइन देगी इसमें। चंदेरी कपड़ा था, एजेड लोग ज्यादा पसंद करते हैं ऐसा कपड़ा, हाँ, हाँ। लेकिन आजकल जो यंग लेडी जो नया नया साड़ी पहनना पसंद करती, हाँ? है ना, वो भी क्योंकि लाइट वेट होती है, हाँ, ये लाइट वेट होती है। अब एक ये चीज आप अपने व्यूअर्स को जरूर दिखाइएगा, आपने साड़ियाँ जो अब तक की देखी है ना, प्रिंटेड देखी हो चाहे वीविंग देखी हो, वो सब साड़ियों में आपने देखा होगा कि मशीन का प्रिंट था। ये देखिए आप बार बार बोल रहे थे ना हैंडलूम, हाँ? ये देखिए इस पूरी साड़ी में हैंड प्रिंट का काम है, हैंड प्रिंट का काम है। आप इसे छुएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर से इस पे कुछ लगाया गया, देखो तो ये धोने के बाद नहीं, नहीं 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 ऐसे नहीं निकलता, ये सुजला कलर होता है, ऐसे नहीं निकलता। कौन सा कलर? सुजला कलर बोलते हैं इसको, सुजला कलर। इसके अंदर देखिए पूरा जो राउंड में दिया गया है, हाँ? डिजाइनिंग, हाँ? बहुत यूनिक साड़ी है, बहुत यूनिक है, मैं पहली बार ये डिजाइन देख रही हूं। सर इसका ब्लाउज भी देखना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप इसमें ब्रोकेट का ब्लाउज रहेगा। ओके, ये राणा ब्लाउज, ये इसका ब्लाउज रहेगा, देखिए ये पूरा ब्रोकेट का, हां रहिला ही अच्छा ब्लाउज। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आपको सेट बता दूं, जैसे मेरा आप कोई भी देखेंगे इसमें, हाँ? जो पैकिंग आती है मैडम, हाँ? वो अलग अलग तरीके से रहती है, कागज बॉक्स पैकिंग भी रहती, हाँ? है, प्लास्टिक बॉक्स पैकिंग भी रहती है, पॉलिथीन पैकिंग भी रहती है, हाँ? जैसे सेट की बात करूँ तो देखिए आपके सामने रखा है, इधर ये ऐसे सेट रहेगा पूरा कम्प्लीट, ओके, बॉक्स के साथ रहेगा, इसका जो कलर चार्ट रहेगा वो इस टाइप का रहेगा। ओके, सारे कलर्स मिक्स होते हैं, हाँ। डिजाइन सेम बट कलर अलग। और बेचते वक्त सर कस्टमर ने कैसे बेचना चाहिए कि में? बेचने का इसमें कई तरीका है, जैसे मान लीजिए सिल्क साड़ी हो गया, हाँ। ब्राइडल साड़ी हो गया, हाँ। जैसे हेवी हैंडलूम वगैरह की जैसे आप बार बार बोल रहे, हाँ। उन साड़ियों में क्या ना कलर ऑप्शन के हिसाब से साड़ी बिकती है, हाँ। तो इनमें कलर देखिए, हाँ बहुत अच्छी साड़ी, ये सुंदर है ना, कलर ऑप्शन इसका देखिए कलर ऑप्शन के हिसाब से बिक रहे हैं। तो उसमें कैसे क्या होता ना, जैसे आपको ये साड़ी पसंद आ गई, हाँ। ठीक है, लेकिन आपको कलर नहीं जम रहा है। सर हम लेडीज है, हमारा एक बार में मन नहीं भरता, आई एग्री,
बिल्कुल, तो मतलब ऐसा उसी में 5 से 6 कलर बनाने पड़ते हैं हमें, वो कलर चॉइस के हिसाब से बिकती है। ओके समझ गए, मतलब मंडळी असते ना आपण दुकानात जातो सांगतो डिझाईन सांगली असे तो अजून कलर दाखवा। हां बिल्कुल, मीनाकारी का बनवला जातो। ओके नाइस, अब कम से कम 25,000 का लेना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ऑनलाइन मिल जाएगा। बिल्कुल, आप ऑनलाइन वीडियो कॉल पे मंगवा सकते हैं, हमारी टीम पूरी जानकारी देगी। और सर आपने कहा आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है तो हाँ, सब थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आपकी मर्जी, हम यही सजेस्ट करेंगे कि यदि आप कम बजट में बिजनेस कर रहे हो तो किसी एक आइटम में करो पर्टिकुलर। जैसे आप सोच सकते हो आप 25,000 रुपए में कि मैं साड़ी भी ले लूँ, सूट भी ले लूँ, कुर्ती भी ले लूँ, लहंगा भी ले लूँ, कितना ले लेंगे आप? एक एक दो दो आइटम ले लेंगे। हाँ। उसमें आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। मतलब आप 25,000 का पूरा साड़ी ले लिया और उसका मैचिंग ले लिया, पेटीकोट फॉल ब्लाउज स्त्री वगैरह ये सब ले लिया, तो साड़ी में आपके पास 8, 10, 12, 15 वेरायटी होगी, तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। एक नहीं पसंद आया दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तीसरा आएगा। और ये होता ही, अपन रिटेल की दुकान पे जाते हैं शर्ट खरीदने, पहला पसंद आ गया फिर भी दस तो देखेंगे और दिखा और दिखा, तो उसके पास ऑप्शन होने चाहिए, रिटेलर के पास बेचने के लिए ऑप्शन होने चाहिए। ओके, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि यदि आप कम बजट से करते हो तो पर्टिकुलर एक आइटम से करो, बाकी जो शॉप करता है वो तो अपने हिसाब से बजट बनाता है, अपने हिसाब से तैयार करता है। लेकिन यदि कोई नया दुकान नया काम करना चाहता है, कोई महिला आपको देखे, एक और चीज मैंने सुनी है मेरा फैशन के बारे में, फ्रेंचाइजी कैसे है? बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेंचाइजी का भी हमारा मॉडल है, हमारा टारगेट रहेगा 100 फ्रेंचाइजी का मार्च तक। Okay. हमने 25 से 26 फ्रेंचाइजी अभी तक खोल दिए। okay. बाकी इसके लिए हमारी स्पेशल टीम है अलग से। हाँ। जैसा भी जानकारी आपको चाहिए, डिस्प्ले पे नंबर रहेंगे। हाँ, समझा देती हूँ मंडळी, यू हैव टू ऑप्शंस। पहिला, तुम्ही लहान असा बजेट करा आणि तो माल घेऊन जा घरून विका। दुसरा, अजमेराचं नाव बनवून विका, म्हणजे तुम्ही स्वतःच अजमेराचं आउटलेट ओपन करू शकता, त्याला फ्रेंचायझी म्हणतात। तुमचा बजेट आहे, पैसे आहेत, बिझनेस मॉडेल नाहीये, डोंट वरी, हे तुम्हाला पूर्ण फ्रेंचायझी पण देतील। दोघं ऑप्शन्स आहेत, म्हणून फ्रेंचायझी हवी असेल किंवा मोठे होलसेलर हवे असेल, स्वस्तमध्ये माल हवा असेल, डेफिनेटली गिव अ चान्स टू अजमेरा फॅशन। आय हॅव गिवन नंबर ऑन द स्क्रीन, गो अँड कॉल देर। आणि कसा वाटला आजचा व्हिडिओ तेही कमेंटला कळवा। बट येस, नो सिंगल पीस, ओनली होलसेल। ओके, आजचा दिवस एवढंच, चॅनलला सबस्क्राईब करा, फेसबुकला पाहताय तर पेजला फॉलो करा। आजचा दिवस एवढं, भेटूया उद्याच्या व्हिडिओला, त्यापर्यंत बाय बाय, थँक्स फॉर वॉचिंग।